सुन सकता हूँ लेकिन पढ़ाई का ताना मुझे कोई ना दे। साकिब ने मैट्रिक कितने सालों में पास किया? सिर्फ 2 साल में। और मैंने 4 साल में। तो ज्यादा पढ़ाइयाँ किसने की? काका साहब ने। अली से काका तेरे जैसी है यार। उनकी आमद हुई है हैदराबाद सिटी के अंदर। अभी जो है हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। हम तकरीबन उनसे जो है वो 3 साल के बाद जो है वो मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी के साथ उनसे मिलते हैं और फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम है। शायद बॉलीवुड जाए, अगर वहाँ पे कोई अच्छी मूवी हो तो वो देखेंगे, नहीं तो फिर डिनर का प्लान हो। फाइनली हमारे जो हबीब मुस्तफ़ा हैं उनसे हमने 3 साल के बाद मुलाकात की है भाई के साथ। ये भाई होते हैं इस्लामाबाद में, इंग्लिश डिपार्टमेंट है इनका। और अली 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 को तो आप जानते ही हैं, 2-3 भी लोग मना चुका हूँ अली के साथ। तो अभी क्या क्या प्लान है? अभी चलते हैं मूवी देखने। अभी हम जा रहे हैं मूवी। कौन सी है मूवी? ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर इंग्लिश है उर्दू है? इंग्लिश में लेकिन उर्दू में मतलब मुझे नहीं है। हमारे मतलब कहीं पे भी रुकते नहीं है, इनको ये नजर आ गई तो ये लेकर आ गए हमारे लिए। थैंक यू। और आप देख सकते हैं कि पेट उसका ज्यादा है या मेरा है या इसका है। मेरा निकालो निकालो जो है वो निकालिए। देखो ये देखो जैसे 4 महीने। अब मैं क्या बोलूं भाई, इनसे हम मिल रहे हैं 3 साल के बाद। और रहते कहाँ है? रहते हम एक ही शहर के अंदर। कभी पेट्रोल बाइक का चेक नहीं किया, लेकिन हमारे हबीब भाई जो है ना वो बहुत एहतियात, हर चीज़ में एहतियात बरतते हैं। और अली भाई आप हमारे तो फुल फुल हो नहीं, हमने चेक नहीं करना भाई, ख़त्म हो जाएगा, भरवा लेंगे, कोई मसला नहीं है। शेरी भाई धक्का लगा लेंगे। और जब मैं अली के साथ बैठता हूँ ना तो कलमा वगैरह पढ़ लेता हूँ। ये देख यार भाई, बस बस ओए, बस ओए हबीब। एक रात शेख के पास उसका दो आईफोन कबूल है। नचिया यार अजीब बात है भाई। नहीं नहीं भाई भाई हमें नहीं भाई, आप जैसे चिकने लड़के मिल भी जाएंगे ना तो मीसम को भी मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा और अली को भी मिल जाएगा। साले को बम से उड़ा दूंगा अभी, ठीक है? लेकिन पहले तेरे को भेजेंगे क्योंकि ज्यादा आईफोन तेरे पे मिलेंगे हमें। टिकट दे मैं सुबह जाऊंगा। कसम से चलोगे भाई? धीरे धीरे सिंह निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। भाई ये देख सकते हैं शादी वालों के हमने खुलवाए हैं, दावत भी हमें, लेकिन अली जाने का मूड नहीं है। अभी हबीब वालों की बाइक जो है पंचर हो गई है। हबीब माशाल्लाह आपको पता है चलाते भी इतनी अच्छी है ना, तो बाइक उन्होंने पंचर कर दी है। उनको हमने चश्मा एक लेके दिया हुआ है लेकिन फिर भी उनको नजर नहीं आता। हमारे बाइक ले जाते हुए इसको बोलते हैं दूसरा चश्मा पहन ले। भाई एक और चश्मा पहन लो अभी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये देखो भाई बाइक पंचर करके आते हुए हमारे पीछे पीछे। और मीसम भाई अभी जो है भाई ने झूठ हो गई भाई हमारे साथ। भाई अब देखते हैं हम बॉलीवुड पहुंचते हैं या नहीं इसकी बाइक पे। अभी पंचर हो गई, अभी हम जो है वो यहाँ पे रुके, पंचर वगैरह लगवाएंगे, पंचर लगवा के फिर हम जो है वो जाएंगे बॉलीवुड। आई थिंक 8:15 का टाइम दिया है उन्होंने तो हम देखते हैं अभी कब तक पहुँचे। 7:37 हो रहे हैं अभी। ये देखो भाई हमारे हबीब के काम देखो यार, पंचर वगैरह हमने लगवा लिया है और पैसे वगैरह दे दिए हबीब ने। मैंने तो 100 रुपया निकाला था, हबीब ने बोला नहीं भाई नहीं लेने। अभी हम जा रहे हैं भाई जो है वो पहुँच गए बॉलीवुड मॉल और अभी हम देखते हैं कि क्या सीन है वहाँ पे, मूवी वगैरह स्टार्ट हुई है या नहीं हुई। अभी हम जा रहे हैं जाके देखते हैं।
कार्ड नहीं था, स्टूडेंट कार्ड था। क्या हुआ मैंने अली क्या हुआ मैंने मैंने इस भाई से ना मैंने इस भाई से कार्ड लिया और भाई ने मुझे थैंक यू यार थैंक यू, भाई ने मुझे कार्ड दिया और मैंने उधर दे दिया। वो कार्ड इस भाई का है और मतलब मैं इसके कार्ड पे जो है मूवी देखूंगा। भाई ये देखो, ये ट्रिक देखो, हमारी ट्रिक तो नहीं होता है। वो ले वो सीन हो गया सीन है यार। इधर स्टूडेंट ऑफर जो है अभी मुझे पता करवाया वो है 6 बजे तक। ये अजीब अजीब है भाई, क्या कहाँ से आए हो आप यार, कहाँ से आते हैं यार। जो है हम सिनेमा में जो है पहुंच गए और अभी जो है कुछ ही देर बाद मूवी स्टार्ट होगी। अबीब और अली और मिसम जो है वो बैठे हैं, मेरी सीट पता नहीं कौन सी है। हाँ भाई मेरी कौन से नंबर पे है भाई? नहीं मैं इधर बैठूंगा या मैं इधर बैठूंगा? इधर बैठ जा, अगर कोई आया ना तो इधर बैठ। हाँ चल ठीक है मैं इधर बैठ रहा हूँ। भाई ये देख सकते हैं सिनेमा वगैरह हमने कब बनवाया, अभी कल बनवाया है। कैसा अच्छा बन गया, सही बन गया। मैंने कहा था करनी है, मैंने कहा था अभी को चेयर शोर ज़्यादा लगवा देते, इसने कहा भाई इतनी बहुत है अब क्या कर सकते हैं। मैं तो सोच रहा था और पाकिस्तानी आवाम आएगी फिल्में शिल्में देखेगी, वैसे भी बच्चे हमारे आजकल पढ़ते तो हैं नहीं। मौला जट देख ली तूने, कैसी लगी? बाकी पाकिस्तानी मूवीज से अच्छी, बाकी से अच्छी, बाकी इतना मज़ा नहीं आया। हाँ मतलब उसका लीनियर प्लॉट है। अच्छा लीनियर प्लॉट है, पैरेलल नहीं है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, प्लॉट लीनियर है। मैट्रिक कितने सालों में पास किया है? सिर्फ 2 साल। और मैंने 4 साल में। तो ज्यादा पढ़ाइयाँ किसने की? काका साहब ने। अली से काका तेरे जैसी है यार। सामने पेश है राजकुमारी शूरी ब्लैक पैंथर। में जो है वो ब्रेक आया था तो हमने कहा चलो वॉशरूम वगैरह कर ले, देखें कितना लेवल का इन्होंने जो है वॉशरूम वगैरह बॉलीवुड मॉल में बनाए हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के बनाए हैं और लाइटिंग वगैरह भी बड़ी जबरदस्त। ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर भी लगा हुआ है, हाथ आगे करो मिनट में सूख जाएगा, गर्म हवा आ रही है। अगर आप यहाँ से हैंड वॉश करते हो, अगर आपके पास टिश्यू वगैरह कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर जो है वो लगा हुआ है, आप हाथ ऐसे आगे करोगे तो ये खुद ब खुद जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपके हाथ जो है बिल्कुल सूख जाएगा। तो खैर हम चलते हैं मूवी की तरफ, हमारी मूवी जो है वो स्टार्ट होने वाली है, चलते हैं यार। भाई हमने जो है मूवी वगैरह देख रही है, अभी टाइम क्या हो रहा है अली? 11:30 टाइम 11:30 हो गया, हम 8 बजे सिनेमा में घुसे थे, गर्म था बिल्कुल सिनेमा, वो हीटर वगैरह लगाए हुए थे। अभी आप देख सकते हैं मूवी देख के हम निकले और मुझे तो इतनी कमनी लगी हुई है अली। अब अली कुछ करे यार, कोई जैकेट वगैरह उतार के मेरे को दे दे, शर्ट उतार के दे दे मेरे को यार। हबीब अली और मिसम मतलब पिज़्ज़ा सबका मूड है तो अब खाते हैं हम पिज़्ज़ा। अब चलते हैं किसी अच्छे जगह पे जहाँ से हम जो है अच्छे सा पिज़्ज़ा जो है ऑर्डर करेंगे और फिर खाते हुए चलते हैं। पिज़्ज़ा वगैरह मंगाया लेकिन हबीब की जो ख्वाहिश थी वो पास्ता थी, तो ये देखो हबीब ने ऑपरेशन वगैरह किया पास्ता का। कैसा लगा आपको, कैसा लगा हबीब? मज़ा आया, मज़ेदार। ओह थैंक यू, आपको कैसा लगा? माशाल्लाह आपके तो भाई कारो वाली है, पिज़्ज़ा आ गया 3 किस्म के, पता नहीं कौन कौन सा फ्लेवर मंगाया अभी हमने। हाँ भाई पिज़्ज़ा कैसा लगा आपको? तो हम भी जो है पिज़्ज़ा वगैरह ट्राई कर रहे हैं, बड़े मज़े का मंगवाया यार। पास्ता वगैरह हमने खा लिया था, ये पड़ा हुआ है अभी भी नहीं खाया सारा हमने, तो एक एक चमचा लिया है। मज़ा आया, बिसम भाई लगे हुए हैं खाने में और अली अली आपकी तो बस बात ही अलग है, माशाल्लाह आपकी आँखें